दीपावली की सत्य कथा। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर आकर वह रूट कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे, चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके सामने डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाला दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको देना।